सर, न्यूज़ 18 की तरफ से सबसे पहले आपको बधाई। क्या कहेंगे इस अवार्ड के बारे में? ये अवार्ड एक ह्यूमन प्रयास के लिए है, ये मेरे बारे में नहीं है, एक किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं है। हमारे हॉस्पिटल के मेरे साथ कोलीग्स हैं 450 लोग, हमारा सोसाइटी है जिसने हॉस्पिटल को खड़ा किया, बराक वैली के सिटीजन्स हैं जो हमारा समर्थन करते हैं, भारत के अन्य भागों के लोग हैं, हमारा गवर्नमेंट मशीनरी है, बाकी नॉन गवर्नमेंट सोसाइटीज़ हैं, बाहर विदेश लोग सपोर्ट करते हैं इन बिग एंड स्मॉल वेज। कोई पैसा देता है, कोई समय देता है, कोई आइडिया देता है, कोई ट्रेनिंग करता है, कोई यहाँ आके, और इन सब के प्रयास के कारण बदलाव आता है। और मैं सोचता हूँ ये जो अवार्ड्स आते हैं इस ह्यूमन एंडेवर के लिए रिकग्निशन है कि हम सब मिल के अपने मनुष्य प्राणी या किसी और प्राणी का जीवन में सुधार ला सकते हैं, और इस प्रयास के लिए ये अवार्ड दिया है। किसी इंडिविजुअल अगर मैं सोचने लगूँगा मुझे दे दिया, मैं बेवकूफ़ हूँ। लेकिन सर, कछार कैंसर हॉस्पिटल 2007 में आप आए हैं यहाँ पे, और उसके बाद से जो आप प्रयास लगाते चले आ रहे हैं 16 सालों में, हम लोगों ने खुद देखा है इस इंस्टीट्यूशन को खड़े होते हुए, क्या कहेंगे? इसके साथ साथ पद्मश्री भी आ रहा है, मैग्सेसे अवार्ड भी आ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सो जो अवार्ड्स आते हैं इस प्रोसेस को एंकरेज करते हैं। मेरे कोलीग्स हैं, हमारे लोकल सिटीजनरी हैं, इन सबको ये एंकर एंड ये प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोग्रेस का समर्थन करते हैं, एंड सो ईच ऑफ देम इज़ एन इंकरेजमेंट टू डू बेटर, और आगे और सेवा कर सकें और चेंजेस ला सकें, एंड दैट इज़ व्हाट दिस इज़ अबाउट। आपका ये एकदम डेडिकेशन देखा हूँ कि आप एकदम घुल ये मिल जाते हैं, एकदम अंदर घुस जाते हैं कैंसर को कैसे अवेयरनेस के लिए बारे में, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कि कैंसर ऐसा बीमारी है जिसको हम रोक सकते हैं, कैंसर ऐसा बीमारी है जो जल्दी पकड़ा जा सकता है और इसको एडवांस स्टेज में लाने की ज़रूरत नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, कैंसर के 5 मुख्य कारण हैं, तंबाकू, सुपारी, शराब, खाने में असंतुलन, एक्सरसाइज फिजिकली एक्टिव ना होना और कुछ इन्फेक्शंस। ये 4-5 कारणों को रोक देंगे तो 70% कैंसर भारत में रुक जाएंगे। एक दूसरा, इन्हीं कारणों से हार्ट अटैक भी होता है, स्ट्रोक भी होता है, डायबिटीज़ भी होता है, हाइपर, सो कैंसर रोकेंगे, तमाम बीमारियों को रोक पाएंगे, हम भारत में स्वास्थ्य को प्रमोशन देंगे। और ये करना सबका काम है, कोई डॉक्टर के लिए ज़रूरत नहीं है, कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं, हम सब कर सकते हैं, हेल्थ प्रमोट करना हमारा फ़र्ज बनता है। एक आखिरी सवाल सर, आज मैग्सेसे अवार्ड किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप? मैग्सेसे अवार्ड मेरे कोलीग्स को, हमारे सिटीजन्स को, हमारे देश के नागरिकों को, एंड मेरे माँ को। थैंक यू वेरी मच। तो अपने लोग उन्हीं से ये मैग्सेसे अवार्ड सबक दी से निजर मातृ को दी से आज ये अवार्ड कौन सिलचर पर अनुरोध लस्कर निजी होम नॉर्थ ईस्ट।